राम जी से मिला दो। श्री हनुमान जी ने काशी में श्री तुलसीदास जी से कहा, राम जी से मिलना है तो चित्रकूट चलो। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाच की तुलसी अभिमत दे। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, 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 अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। भूमि बिलोक राम पद अंकित, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुवर बिहार थल, बन बिलोक रघुवर बिहार थल, बन बिलोक रघुवर बिहार थल। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। श्री हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी से, चित्रकूट चलो। और तुलसीदास जी चित्रकूट आए। चित्रकूट की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। बिछड़े हुए लोगों से भगवान चित्रकूट में ही मिलते हैं, अवधवासियों से अलग हुए तो चित्रकूट में ही मिले। भरत जी को चित्रकूट में ही मिले, अवधवासियों को चित्रकूट में ही मिले, अरे और तो और कैकेयी माता को भी चित्रकूट में ही मिले। भगवान से मिलन की भूमि चित्रकूट। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे लिए तो चित्रकूट ऐसा है, एक सांप और नेवले की लड़ाई देखी उन्होंने, नेवला सांप को और सांप नेवले को परस्पर लड़ाई में झपटते हैं, तो कभी कभी सांप नेवले को काट लेता है और नेवला दौड़ कर जाता है, कोई जंगली जड़ी जानता है, सूंघ कर आता है तो जहर उतर जाता है, और नेवला बोल ही नहीं पाता, बोलता तो बता देता कौन सी जड़ी है, पर नेवला जानता है। सांप के काट लेने पर तुरंत जाता है, सूंघ कर आ जाता है, सांप का जहर उतर जाता है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इसी तरह भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। ये संसार सांप है और तुलसीदास नेवला है। ये संसार रूपी सांप जब काटता है तो काटने से ये ज्ञान का हरण कर लेता है। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। और इस सांप का जहर उतरता कैसे है, चित्रकूट वह जड़ी है चितवत होत सचेत। चित्रकूट वह औषधि है जिसको देखकर संसार सांप का जहर उतर जाता है। भगवान के चरणों से अंकित भूमि वन में भगवान, और ठोर जब तब करे ठाणी रहे धरिमौन, और चित्रकूट को डोलो वो तुले न तुलसी तौन। और जगह जब तब करे मौन व्रत धारण करे, चित्रकूट में ऐसे ही डोलता रहे तो भी उसकी बड़ी महिमा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो। तुलसीदास जी भगवत दर्शन के लिए चित्रकूट आए।